आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज, योर ऑन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें और इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की खबर, मथुरा की खबर, वृंदावन की खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अयोध्या के बाद आज मथुरा आए। उन्होंने वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर और अन्य प्रमुख मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए आज यहां का दौरा किया। आप देख सकते हैं इन अधिकारियों के साथ मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी, एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ और आईजी दीपक कुमार के अलावा जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे भी नजर आ रहे हैं। वृंदावन के बिहारी जी मंदिर में एसएसपी जानकारी दे रहे हैं व्यवस्थाओं की और यहां पर व्यवस्थाएं कैसे बेहतर हों, इसके लिए ये दौरा किया गया है। और इसके साथ ही टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर में बैठक ली गई है। आप देख सकते हैं बैठक में बाकायदा जानकारी ली गई है कि कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं रहती हैं और क्या क्या उनमें सुधार हो सकता है। बिहारी जी के दर्शनोपरांत यहाँ पर बैठक लेकर के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी ने यहाँ से प्रस्थान किया। इसके अलावा उनके द्वारा यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत भी की गई। 7 से 10 लाख लोग एक दिन में जो पीक डेज होते हैं उसमें आ रहे हैं। तो आपने देखा आसपास सकरी गलियां हैं और तीन जगह से तीन दरवाजे आने के हैं और दो से एग्जिट है बाहर निकल के। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की यही चिंता है कि इस भीड़ को कैसे व्यवस्थित करके और सभी लोगों को दर्शन की व्यवस्था बनाई जाए, इसीलिए मैं और डीजीपी साहब यहां पर आए हैं और सभी मंडल स्तर के और जनपद स्तर के अधिकारियों के साथ वहाँ पर हम लोगों ने उस क्षेत्र का दौरा किया है और पार्किंग वगैरह भी इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो ये एक अच्छा सुगम व्यवस्था बनाने की बात है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन के लिए उनको केंद्र में रखते हुए कि उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए ताकि वो आएँ और दर्शन करके जब लौटें तो संतुष्ट हों और जो अवस्थापना सुविधाएं हैं वो इस लेवल की हों जहाँ कि आप रोज़ 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख लोगों को यहाँ पर इंटरटेन कर सकें और इस व्यवस्था में उनको दर्शन सुलभ करा सकें। तो ये मुख्य मकसद है हम लोगों के आने। किसी भी शहर का डेवलपमेंट उसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार होती है। वृंदावन एक मंदिर का शहर नहीं बल्कि मंदिरों का शहर है। यहाँ जो भी डेवलपमेंट का एक टारगेट लिया जा रहा है वो केवल बांके बिहारी लिया जाए, जबकि उससे पुराने काफ़ी मंदिर सप्त देवालय यहाँ की पहचान है। देखिए कई महत्वपूर्ण मंदिर यहाँ पर हैं, ये शासन के संज्ञान में है और ये भी हम लोग अवगत हैं कि सबसे ज़्यादा लोग यहीं पर आते हैं, बांके बिहारी के दर्शन के लिए आते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण कम या ज़्यादा की बात नहीं है, बात क्राउड के मैनेजमेंट की है। कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े परिसर उपलब्ध हैं तो वहाँ पे कितने भी लोग आएँ उनको उस तरह की असुविधा नहीं होती है। लेकिन बांके बिहारी मंदिर जिस तरह से बीच शहर में संकरी गलियों से और मोहल्ले में घिरा हुआ है तो वहाँ पर एक क्राउड मैनेजमेंट प्रॉपर करना ज़रूरी है, खास करके जब अभी ज़्यादा लोग दर्शन के लिए आएंगे। तो ये मकसद है आने का, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और लोगों को अच्छी सहूलियत व दर्शन करने में ये व्यवस्था बनाना। सर बांके बिहारी के कॉरिडोर को लेकर के भी कुछ आगे का प्लान? उसके बारे में आज ऐसा कुछ नहीं था। किस तरह का प्लान है कि यहाँ के लोग भी अपने शहर में कवर होकर रह जाते हैं, सारी रोड ब्लॉक कर दी जाती है, यहाँ तक हॉस्पिटल के आगे तक बैरियर लगा दी जाती है? ये हम लोग अभी चर्चा करेंगे और डीजीपी साहब आपको बताएंगे, लेकिन हम लोग के आने का मकसद यही है कि पार्किंग के लिए नियत स्थान हो और वहीं पर पार्किंग हो और जो लोग उस कॉलोनी में आसपास रहते हैं उनको मिनिमम इनकन्वीनियंस हो, उनको आने जाने में उस तरह की दिक्कतें ना हो, तो ये व्यवस्था हम लोग को बनाने की। सर फोर्स वहाँ पर कुछ और ज़्यादा लगाने का कुछ प्लान है जिस तरह से पहले जो घटनाएं हुई हैं या भीड़ जो आ रही है उसको लेकर? आपको डीजीपी साहब बताएंगे, बट भीड़ को व्यवस्थित करना, कंपार्टमेंटलाइज करना, जगह जगह पर रोक कर उनको आगे बढ़ाना जैसे स्पेस अवेलेबल हो अंदर मंदिर में, ये सब क्राउड मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इसको फॉलो कराया जाए। सर अभी बड़ा चेंज है, मुड़िया मुड़िया मेला जैसे आपस में भी घटना हुई है उसके कारण क्या चेंज है लिए जा रहे हैं और किस तरह से पूरी मेले में समुचित व्यवस्था होगी? जो भी श्रद्धालु इसमें आ रहे हैं मुड़िया पूर्णिमा में और काफ़ी बड़ी भीड़ आती है उसमें तो, और वो काफ़ी लंबा भी चलता है, तो उसकी सारी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की है। उत्तर प्रदेश के अंदर उसकी एक सुरक्षा स्कीम है, वो
उस सुरक्षा की व्यवस्थाएं की जाती हैं। बांके बिहारी मंदिर के बारे में अभी जो स्कीम है उसको और कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि जैसा मुख्य सचिव महोदय ने बताया कि यहाँ भीड़ विशेषकर जो सप्ताह का अंत होता है या लंबे वीकेंड्स होते हैं उस समय या मुख्य त्योहारों को बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु मथुरा के अलावा अन्य आसपास के जनपदों से अन्य प्रदेशों से भी आते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को असुविधा न हो, चाहे यहाँ के लोकल लोगों को या जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हों, उसकी सुविधा का स्तर बेहतर कराया जाए और बिना किसी कष्ट के हम वर्तमान व्यवस्था के अंदर कैसे हम दर्शन करा पाएँ, इस चीज़ों को देखने के लिए अपने सारे अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण करने के बाद